ओके जी, हम अपनी कॉन्फ़िगरेशन के साथ फर्दर आगे मूव करते हैं और देखते हैं कि हमारे पास इसमें मजीद क्या चीज़ें हो सकती हैं। लेट मी गो टू द प्रिविलेज एग्जीक्यूटिव मोड। अच्छा, यहाँ पर आकर हम एक और कमांड देते हैं, शो आईपी राउट की, और ये देखिएगा जब ये राउटिंग टेबल कंप्लीटली कन्वर्ज हो जाता है, ठीक है ना, कन्वर्जेंस का प्रोसेस कंप्लीट हो जाता है, इनके दरमियान नेबरिंग रिलेशनशिप कंप्लीटली एस्टैब्लिश हो जाता है, तो ये देखिएगा इक्वल कॉस्ट लोड बैलेंसिंग आपको ऑपरेशनल नजर आएगी। यहां पर ये चेक कीजिएगा, क्लियर, ये EIGRP के अंदर भी और OSPF के अंदर भी इक्वल कॉस्ट लोड बैलेंसिंग की कैपेबिलिटी बाय डिफॉल्ट होती है। और इस वक्त मैं R1 पर मौजूद हूं और ये जो 192.168.10.8 का नेटवर्क चल रहा है, ये अगर मैं आपको दिखा सकूं तो ये यहां चल रहा है, ये देखिएगा। मैं मौजूद यहां पर हूं, ठीक है जी, मैं मौजूद यहां पर हूं R1 पर, ठीक है। अब मेरा जो इक्वल कॉस्ट लोड बैलेंसिंग आ रही है वो इस नेटवर्क के लिए आ रही है, ठीक। अब मैं इस रास्ते से भी जा सकता हूं और इसी तरह से मैं इस रास्ते से भी वहां पर क्या कर सकता हूं, जा सकता हूं। तो ये मेरे पास आ जाती है इक्वल कॉस्ट लोड बैलेंसिंग की सिचुएशन, जिसके अंदर मैं 10 के नेटवर्क पर जा रहा हूं, क्योंकि दोनों की बैंडविड्थ हमारे पास क्या चल रही है, सेम चल रही है। गॉट इट। बैंडविड्थ को अगर आप चेक करना चाहते हैं तो R1 पर आप चले जाएं, ठीक है, और सिंपल सा प्रोसेस है, शो इंटरफेस सीरियल 0/0/0। बैंडविड्थ आपको नजर आ रही है 1544 KBPS, राइट। और इसके साथ ही अगर मैं आपको दूसरे इंटरफेस की बैंडविड्थ दिखा सकूं तो वो कुछ इस तरह से है, ठीक है जी, वो भी हमारे पास अगर आप यहां पर देख सकें वो हमारे पास चल रही है 1544 KBPS के तौर पर। तो इस वजह से वो इक्वल कॉस्ट लोड बैलेंसिंग का क्राइटेरिया हमारे पास फिट हो रहा है, ठीक है जी। इसको हम आगे चल के देखेंगे कि फाइन ट्यून हम कैसे कर सकते हैं, अगर हमने चेंजेस करनी है तो उसका क्या प्रोसेस होगा। बट यहां पर एक और इंपॉर्टेंट चीज आपको बताता चलूं, जब मैंने कमांड दी थी शो आईपी ओएसपीएफ नेबर्स, ये देखिएगा यहां पर हमारे पास नेबर्स की जो है ना आईडीज आ रही हैं, ठीक है जी, ये देख रहे हैं। और ये बेसिकली तौर पर ओएसपीएफ राउटर आईडी पिक करता है, अगर आपको कॉन्सेप्ट याद हो, अगर आप अपनी थ्योरेटिकल नॉलेज को रिकॉल कर सकें, ठीक है जी। तो इसमें क्या होता है कि ये हाईएस्ट आईपी को पिक कर लेता है अपने नेबरिंग अपने राउटर आईडी के लिए। अब राउटर आईडी क्या है, जिस तरीके से हमने यहाँ डायग्राम के अंदर या डॉक्यूमेंट के अंदर हम यूज कर रहे होते हैं आइडेंटिफिकेशन के लिए राउटर के नेम्स, यानी R1, R2, R3, अब ये ह्यूमन इंटरेक्शन के लिए कि जब हम इनसाइड भी जाएंगे तो हमें R1, R2, R3 नजर आएगा, या ब्रांच राउटर नजर आएगा, हेडक्वार्टर्स राउटर नजर आएगा, ISP का राउटर नजर आएगा, व्हाटएवर जो भी नाम हमने रखा हुआ है। अब एक ह्यूमन इंटरेक्शन है और दूसरी डिवाइस टू डिवाइस इंटरेक्शन है, राउटर टू राउटर, वो भी एक दूसरे को पहचानेंगे जबी तो दोस्ती होगी, जबी तो नेबरिंग रिलेशनशिप बनेगा, जबी तो हेलो हाय होगी। तो वो हेलो हाय के लिए जो नाम रखेगा वो नाम बेसिकली तौर पर राउटर आईडी के तौर पर जो है हम उसे राउटर आईडी कहते हैं या राउटर आईडी के तौर पर वो जाना जाता है। अब डिफॉल्ट के अंदर प्रोसेस क्या है कि जो भी आपके एक्टिव इंटरफेसेस होंगे उसके अंदर जो भी हाईएस्ट आईपी होगी वो उसकी राउटर आईडी के तौर पर सामने आ जाएगी। जैसे मैं यहां पर कमांड दूं शो आईपी प्रोटोकॉल्स, ये देखिएगा
यहां पर राउटर वन की राउटर आईडी आपको क्या नजर आ रही है, 10.5 नजर आ रही है। क्यों 10.5 नजर आ रही है, मैं जरा इसके एक्टिव इंटरफेसेस देख लेता हूं, ये आपने सामने रखना है। और मैं से कहता हूं कि शो आईपी इंटरफेस ब्रीफ। अब इसके आप देखें कि तीन इंटरफेसेस हैं, 172 वाला तो निकाल दें, ये तो इलेक्शन के प्रोसेस से बहुत दूर है, क्योंकि दो बड़ी आईपीस हमारे पास मौजूद है, 192 वाली, ठीक है जी। अब इन दोनों के दरमियान हम देख लेते हैं कि 192.168.10.1 है और 192.168.10.5 है। तो 5 को उसने राउटर आईडी के तौर पर क्या कर लिया, पिक कर लिया, क्योंकि हाईएस्ट आईपी एड्रेस क्या बन रहा है, वो सीरियल 001 का जो इंटरफेस है 5 वो बन रही है। इसीलिए जब हम ऊपर जाते हैं और कमांड देते हैं, हम ये देखिएगा यहां पर देखें, ये नजर आई आपको, तो दैट्स व्हाई उसने पिक कर लिया। तो थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट को हमने यहां पर मैच किया, तो जैसी वो थ्योरी बता रहा था वैसा ही प्रैक्टिकल उसने हमें करके दिखा दिया कि भाई जो कानून आपने वहां पर पढ़ा था वो कानून यहां पर इंप्लीमेंटेड है, उसमें आपको कोई कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए। बट इसको आप स्टैंडर्डाइज करेंगे, यानी आईएसपीज के अंदर या जब आप कॉर्पोरेट लेवल पर काम कर रहे होते हैं तो राउटर आईडीज हम राउटर की मर्जी से नहीं रख रहे होते, हम चाहते ये हैं कि इसके लिए हम एक नेटवर्क क्या कर दें, रिजर्व कर दें, एक रेंज क्या कर दें, रिजर्व कर दें, और उसी रेंज से हम उसको वो जो राउटर आईडी है वो अपनी मर्जी से असाइन करवाएं, बजाय इसके के राउटर अपनी मर्जी से उसको उठा रहा हो। तो हम इसके लिए एक लूप बेक इंटरफेस कॉन्फिगर कर देते हैं, ठीक है जी। और हम जाते हैं कॉन्फ टी किया और हमने कहा इंटरफेस लूप बैक, लूपबैक जीरो, ठीक है। ये रिजर्व स्टैंडर्ड बना लें अपना, जब आप इंडस्ट्री के अंदर भी काम कर रहे होंगे तो एक स्टैंडर्ड बना लें कि लूपबैक जीरो हमेशा किसके लिए यूज होगा, राउटर आईडी के लिए हम इसको यूज करेंगे, ये बाकी किसी पर्पस के लिए नहीं होगा। अब जब एक रूल बन जाएगा तो हर एक को पता होगा, आपका कोई सिस्टम सपोर्ट का लड़का अगर कोई कॉन्फ़िगरेशन कर रहा है, जो नेटवर्क इंजीनियर है वो कोई कॉन्फ़िगरेशन कर रहा है या सीनियर नेटवर्क इंजीनियर कॉन्फ़िगरेशन कर रहा है, तो उसको ये बात पूछने की जरूरत नहीं है। अगर कोई कॉन्फ़िगरेशन करके चला गया है तो आपको ये बात पूछने की जरूरत नहीं है, क्योंकि कानून बन गया कि लूप बैक जीरो जो है वो राउटर आईडी के तौर पर सामने आएगा। तो ये डॉक्यूमेंटेशन का और रूल्स का ये फायदा हो जाता है कि आपको कोई भी बात पूछने की जरूरत नहीं पड़ती, ठीक है। अब हमने यहाँ पर लिखा आईपी एड्रेस, ठीक है, और हमने इसको रख दिया R1 है तो हम आइडेंटिकल रख देते हैं 1 और 255.0.0.0, ठीक है जी, आप रख कुछ भी सकते हैं, ठीक है जी, वो आपकी मर्जी है। हमें यहां से एग्जिट किया, उसके बाद हमने कहा कि जी राउटर OSPF 1, ठीक है जी, और उसके बाद हमने कहा कि इसकी राउटर आईडी मेरी मर्जी की, वो राउटर आईडी क्या होगी, 1.1.1.1, ठीक है। वो कहता है मैं बिल्कुल, ये मैंने आपकी जो कमांड है ये ले ली है, मुझे समझ आ गया है कि 192 वाले नेटवर्क को राउटर आईडी के तौर पर नहीं रखना, आप इसको मैनुअल करना चाहते हैं, सो ये कॉन्फ़िगरेशन मैंने ले ली है, बट आप एक कमांड चला दें क्लियर आईपी ओएसपीएफ प्रोसेस, ताकि वो जो ओएसपीएफ का कैशे है उसको रिमूव कर दे, उसको जब वो हट जाएगा तो नई इंफॉर्मेशन आएगी, तो आपके जो दोनों नेबरिंग राउटर्स हैं उनको पता चल जाएगा कि आपने अपना नाम क्या कर दिया है, बदल दिया है, अपनी शनाख्त क्या कर दी है, बदल दी है, आप एक नई आइडेंटिटी के साथ सामने आ गए हैं। सो हम यहां पर गए और हमने कहा क्लियर आईपी ओएसपीएफ प्रोसेस, जैसे हम कैसे क्लियर करते हैं नॉर्मली सिस्टम के अंदर, वही काम हमने यहां पर करना है, और ये थोड़ी देर में दोबारा नेबरिंग रिलेशनशिप एस्टेब्लिश करेगा, ये देखिएगा दोबारा नेबरिंग रिलेशनशिप, और ये लोडिंग के फेज में गया, लोडिंग के बाद जो है ना ये दोबारा लोडिंग के फेज में R2 और R3 के साथ जा रहा है, फिर उसके बाद ये लोड, ये देख रहे हैं फ्रॉम लोडिंग टू फुल लोडिंग डन, ठीक है। जब डन हो गया है तो हम चेक कर लेते हैं
नेबर्स, ठीक है जी, ये हमारे पास इंफॉर्मेशन आ रही है जो पहले से थी, क्योंकि अभी हमने वहां पर कोई चेंजेस नहीं किए. अब हम यहाँ कमांड देते हैं शो आईपी प्रोटोकॉल्स की. आप देखिएगा, पहले राउटर आईडी कुछ और आ रही थी और अब राउटर आईडी मेरे पास कुछ और आ रही है. डन. और यही काम अब अगर मैं करना चाहूं तो मैं इसको R3 पर भी कर सकता हूं. मैं गया, मैंने कहा इनेबल कॉन्फ्टी एंड देन इंटरफेस लूपबैक 0 आईपी एड्रेस, और फिर मैंने कहा 3.3.3.1 और 255.0.0.0 कुछ भी रख सकते हैं आप. ठीक है, मैंने यहाँ पर रखा राउटर OSPF1. ओके, नाउ कमांड दी मैंने राउटर आईडी की और मैंने कहा जी राउटर आईडी आप रखे 3.3.3.1. उसने कहा डन है जी, आप कमांड चलाएं क्लियर आईपी ओएसपीएफ प्रोसेस. आप क्लियर कर सकते हैं जैसे हम जनरली सिस्टम के अंदर कैसे क्लियर करते हैं. ये देखें नेबरिंग रिलेशनशिप अगेन वो यहाँ पे क्या, ये देखें कमांड, कोई भी नई कमांड आपके पास आती है उससे मजीद लर्निंग आप किस तरीके से करेंगे वो देख लें. ये देखें मैंने कमांड चलाई क्लियर, मैंने कहा जी क्या क्या क्लियर कर सकते हैं, किस किस चीज की सफाई हो सकती है. आई हैव टू रन द कमांड अगेन ताकि वो नो वरना फिर वो चला जाएगा. हम अब मैंने कहा जी क्लियर और क्वेश्चन, ये देखें वो कहता है आईपी की इंफॉर्मेशन क्लियर हो सकती है, सिस्को डिस्कवरी प्रोटोकॉल नजर आ रहा है CDP 3rd में. ठीक है, जो हमने अब तक चीजें पढ़ी हैं एसोसिएट लेवल पर, वो कहते हैं VTP की इंफॉर्मेशन क्लियर हो सकती है, मैक एड्रेस टेबल क्लियर हो सकता है. ठीक है, तो ये सिर्फ आईपी ओएसपीएफ का प्रोसेस नहीं क्लियर होता, इसमें और बहुत सारी चीजें सफाई सुथराई हो सकती है. इसके अलावा जैसे हमने किया आईपी, देन वो कहता है आईपी में क्या हो सकता है जी, आईपी ओएसपीएफ राउट क्लियर हो सकते हैं, नेट क्लियर हो सकता है, ओएसपीएफ के प्रोसेस क्लियर हो सकते हैं. क्लियर है जी. हम बाहर आए और हमने कहा जी अब हम चल के देखते हैं शो आईपी प्रोटोकॉल्स. हाँ जी, वो देखें जी टॉप पर आपको दिखा दिया उसने, तो कहा जी ये रहा मैं 3.3.3.1 की एक नई आईपी के साथ, और अगर आप मुझे देखना चाहते हैं R1 पर तो मैं R1 पर कुछ इस तरह से अब आपको नजर आऊंगा. ये देखिएगा 3.3.3.1. इसी तरीके से आप R2 को क्या कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं. हम R2 की तरफ जाते हैं और वहां भी एक चेंज कर देते हैं. क्लियर, और कॉन्फ्टी इंटरफेस लूपबैक 0 आईपी एड्रेस 2.2.2.1 255.0.0.0 फिर राउटर OSPF1 राउटर आईडी 2.2.2.1 डू क्लियर आईपी OSPF प्रोसेस यस डन. ठीक, उसने एस्टेब्लिश किया. आप देखें 1-1 आइडेंटिकल, 3-3 आइडेंटिकल. आप वहां से जो है इजीली जज कर सकते हैं क्या मामला चलते हैं. ये देखें मैं R1 पर गया और मैंने कहा मिस्टर R1 आप बताएं अब आपके पास क्या स्टेटस चल रहा है, कुछ मामला चेंज हुए या नहीं. ये देखें 2.2.1 3.3.1 मुझे पता है ये राउटर 3 के लिए होगा, ये राउटर 2 के लिए हो गया, रिजर्व्ड है, लिहाजा इंफॉर्मेशन क्या हो जाती है मेरे पास क्लियर हो जाती है.
इक्वल कोस्ट लोड बैलेंसिंग का मामला भी क्लियर हो गया, राउटर आईडी का मामला भी क्लियर हो गया। आगे चलते हैं और देखते हैं कि हम ये बैंडविड्थ के प्रोसेसेस को किस तरीके से हैंडल करेंगे या बैंडविड्थ के प्रोसेसेस के अंदर हमारे पास क्या मामला होगा।